अगर आप भी माउस की क्लिक शो करवाना चाहते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, कहीं पर भी मिस ना करें। तो भाई अगर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस तरह के इंफॉर्मेटिव टेक वीडियो मिलती रहे। हेलो गाइस, व्हाट्स अप एवरीवन, आई एम जुबैर अहमद फ्रॉम हाउ टू आईडी यूट्यूब चैनल। सो यार, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो में आपको मैं सिखाऊंगा किस तरह से आप अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे जो भी क्लिक करोगे, राइट क्लिक करोगे तो वो भी शो होगा, अगर लेफ्ट क्लिक करोगे तो वो भी शो होगा आपकी स्क्रीन पे, या फिर कुछ भी टाइप करोगे वो भी आपके स्क्रीन पे शो होगा। इससे क्या होता है, अगर आप ऑनलाइन क्लासेस चलाते हैं, कुछ भी आप टीचिंग करते हैं या फिर Adobe Photoshop सिखाते हैं या फिर वीडियो एडिटिंग सिखाते हैं, तो अगला बंदा देखता है तो कौन सा ये क्लिक कर रहा है, राइट क्लिक कर रहा है या लेफ्ट क्लिक कर रहा है, तो उसे सीखने में अच्छे तरीके से समझ आ जाता है कि अभी ये इसने राइट क्लिक किया है तो मुझे भी माउस से राइट क्लिक करना चाहिए। तो इस तरह से ऑनलाइन क्लासेस चलती रहती हैं, तो मैंने भी सोचा कि आज एक इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेके आऊँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो आ चुका हूँ मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। जैसे मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ तो राइट शो होता है, अगर लेफ़्ट क्लिक करता हूँ तो लेफ़्ट शो होता है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। तो इस तरह से किसे ये शो होता है, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। ये गेट इन टू पीसी की वेबसाइट पर भी पड़ा है, तो गेट इन टू पीसी की वेबसाइट पे डाउनलोड करेंगे तो रार फाइल में मिलेगा आपको। यहाँ पर राइट क्लिक करके एक्स्ट्रैक्ट हेयर करना है, इसका पासवर्ड होता है 123। तो ये इस तरह से आपके पास फोल्डर बन के आएगा, तो यहाँ पर क्यू आई प्रेस में जाना है। इसका वर्जन ये आपके सामने शो हो रहा है, वर्जन 1.073, यही वर्जन विंडो 10 में चलेगा, वर्क करेगा। तो नॉर्मल सी बात है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉल मैंने ऑलरेडी कर दिया है, तो आपने एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे तो इंस्टॉल हो जाएगा आपके पास। इससे क्या फ़ायदा होता है कि अगर आप ऑनलाइन क्लासेस चलाते हैं तो आपको बंदे देखने वाले होते हैं। जैसे मैं यहाँ पर Adobe Photoshop में आता हूँ, कुछ ड्राइंग करता हूँ या फिर यहाँ से ये मेरे पास शेप बना हुआ है, इसे आगे पीछे कर रहा हूँ, कौन से क्लिक से कर रहा हूँ, लेफ़्ट क्लिक से कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आपके सामने ये शो हो रहा है। अगर आपके पास यहाँ पर ये जो लेफ़्ट क्लिक या राइट क्लिक, यहाँ पर माउस की क्लिकिंग शो हो रही है यहाँ पर, तो इसे यहाँ पर कैसे लेके आ सकते हैं। यहाँ पर इसका क्यू आर प्रेस आइकन बनाएगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है लेफ़्ट क्लिक करके। यहाँ पर ऑन स्क्रीन क्लिक थ्रू पर क्लिक करेंगे तो क्लिक थ्रू करके इसे होल्ड करके जहाँ रखना चाहते हैं रख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक हो गया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करें। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।